देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कल के सत्संग में, रात्रि के सत्संग में आप जी ने सुना कि एक बहन जिसका नाम चंद्र प्रभा था, पुणात्मा कल गलती से ये दास चंद्र प्रभा की स्थान पर शशि प्रभा बोल गया, उचित से उतर गई थी उनका नाम जो है बहन बेटी का, क्योंकि उस आत्मा के कई जन्म हो जाते हैं, हो चुके हैं, और कभी वो एक जन्म शशि प्रभा भी रही है। जैसे कबीर परमात्मा ने कभी विष्णु जी की महिमा गाते हुए तो साथ में कृष्ण भी बोल दिया है, क्योंकि कृष्ण भी विष्णु ही था, तो वैसे उस समय जो उसकी शरीर था परमात्मा के समय जो वार्ता हुई थी उसका नाम चंद्र प्रभा था, उस बहन ब्राह्मणी का जो विधवा थी, उसकी एक पुत्री थी और वो परमात्मा से उपदेश भी प्राप्त कर चुकी थी। दास आपको बार बार यही समझाने की चेष्टा कर रहा है कि जिस समय परमेश्वर स्वयं आए थे उस समय अशिक्षित जनता थी, अशिक्षित श्रद्धालु थे, और अक्षर ज्ञान प्राप्त केवल एक ही वर्ग किया करता था जिसे ब्राह्मण कहते थे। यही कारण रहा था कि वो बहन कितनी श्रद्धालु थी, प्रभु को चाहने वाली थी, परंतु उसका जो उद्देश्य था वो बिल्कुल गलत था। उद्देश्य क्या था कि उसने गुरु जी तो बना रखा था कबीर परमेश्वर जी को, उस बहन ने चंद्र प्रभा ने परमेश्वर को, कबीर परमेश्वर जी को गुरु धारण भी कर रखा था और पूजा वही करती थी जो घेसी पिटी जिनको परमात्मा मना किया करते थे कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते वो चक्की भली जो पीस खावे संसार, तुम्हारे उस मिट्टी के भगवान थे पत्थर के भगवान से तो यदि तुम उसके पूजने से परमात्मा प्राप्ति मानते हो तो मैं पहाड़ को पूज दूं जिसे शीघ्र मिले, क्योंकि वो बड़ा पत्थर है, और तुम्हारे उस मिट्टी के भगवान से अच्छी तो वो पत्थर के भगवान से अच्छी तो वो पत्थर के पाठ युक्त चक्की जो हाथ से आटा पीसने की चक्की होती थी, कहते वह चक्की अच्छी जिससे कम से कम आटा तो पीस देता वो पत्थर। परमात्मा यही ज्ञान रह कर दिया करते थे कि मंदिर के अंदर प्रभु नहीं है, मंदिर में केवल प्रभु का चित्र है, प्रभु से काम बनेगा, प्रभु से लाभ होगा, चित्र से नहीं। जैसे सेब का चित्र पत्थर का बनाकर रख ले मूर्ति और बहुत खूबसूरत और बिल्कुल जो कि तो मिलती जुलती होती है, और उस सेब की मूर्ति की ही पूजा करते रहें, उसी को उठाकर रखते रहें, बार बार उसकी जो है ना धूप धीप करते रहें, नहीं, वो सेब की पत्थर की मूर्ति खाने योग्य नहीं है, वह मूर्त उस सेब ढूंढना पड़ेगा, वो सेब लेना पड़ेगा। सेब प्राप्त कैसे होगा, उसके लिए पहले मजदूरी करनी होगी, मजदूरी करके दो पैसे जेब में डालने होंगे, रुपए उन रुपयों के उस धन के प्रतिफल में हम उस सेब को खा सकेंगे, उसका आनंद ले सकेंगे। ऐसे ही हम परमात्मा के प्राप्ति रूपी सत साधना रूपी मजदूरी करेंगे, इस भक्ति के धन से हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, उस मूर्ति की पूजा करने से नहीं। अब वो बहन चंद्र प्रभा कबीर जी को तो एक साधारण
संत भक्त मानती थी, संत मानती थी, गुरुजी मानती थी। और जगन्नाथपुरी में रखी उन बिना बगैर पंजे के हाथों वाली मूर्ति को वो भगवान मानती थी। इसी भ्रम को निवारण करने के लिए प्रभु ने ये लीला की, एक तीर से दो शिकार किए। उधर से वीर सिंह जी भी उनको परमात्मा नहीं मान पा रहे थे, उनको केवल एक संत और गुरु ही मानते थे। परमात्मा कहते हैं कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंध, होवे दुखी संसार में आग गयम के फंद। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना होत सहाय। पुण्यात्मा हमने परमात्मा गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। उस समय तो परमात्मा स्वयं आए थे, लेकिन वो भूमिका गुरु की ही कर रहे थे, एक संत की कर रहे थे। और उस समय परमात्मा स्वयं आए हुए थे तो भी ज्ञानहीन व्यक्ति श्रद्धालु अनुयायी तो भी उनको एक सिंपल मैन मानते थे, एक भक्त गुरु संत ही मानते थे। क्योंकि ऐसे शिक्त व्यक्ति जो होते हैं वो ज्ञान के तह तक नहीं पहुंच पाते, कितनी बार समझा लिया प्रभु ने, लेकिन एक वो अक्सर ज्ञान युक्त अज्ञानी संस्कृत भाषा बोल गए और उस बोली आत्माओं को गुमराह कर देता था कि तुम्हारा गुरु तो अशिक्षित है, उसको अक्सर ज्ञान है ही नहीं, वो वेदों और गीता के बारे में जानता ही नहीं, वो तो कोरी बकवाद घड़ता है, झूठ बोलता है। तो हम वो अनुयायी जो प्रभु के थे वो विचलित हो जाते थे और वो समझ मान लेते थे उस अज्ञानी अक्षर ज्ञान युक्त प्राणी की इन बातों को कि सचमुच हमारे गुरु जी तो अशिक्षित हैं, इसलिए ये वेदों और गीता को तो नहीं जान सकते। और वेदों और गीता जी के बारे में तो ब्राह्मण लोग ही सही बताते हैं, पुराणों के विषय में यही सही जानते हैं, क्योंकि सभी पुराण, सभी पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण, सभी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिपिबद्ध है। इस बात का वो नाजायज फायदा उठाएंगे। परमात्मा ने इसलिए ये समय सेलेक्ट किया, ये टाइम सेलेक्ट किया कि बिचली पीढ़ी के अंदर शिक्षित होगा सारा समाज, उस समय ये मेरे को पहचान पाएंगे मेरे बच्चे, और इस काल के इन काल के दूतों को ये धिक्कार देंगे, ठुकरा देंगे, छोड़ देंगे, त्याग देंगे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, ओए दुखी संसार में आग यम के फंद। पुण्यात्मा अज्ञान की इतनी गहरी छाप हमारे ऊपर हो चुकी है कि हम परमात्मा की परिभाषा से अपरिचित है, हम परमात्मा को निराकार मानते हैं। ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि और गुरुजन परमात्मा को निराकार बताते रहे, जबकि हमारे सब सदग्रंथ और जिन पर जिन महापुरुषों ने परमात्मा के दर्शन हुए उन्होंने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा को साकार बताया है और मनुष्य सदृश बताया है, मनुष्य जैसा, लेकिन उनके शरीर के मटेरियल में और हमारे शरीर के मटेरियल में बहुत अंतर है। परमेश्वर का शरीर तेज पुंज का है, उनके शरीर की शोभा बहुत ही अधिक है, करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा की मिली जुली रोशनी भी उनके एक रोमकूप की रोशनी से फीकी है। वो
साकार हैं और मनुष्य सदृश हैं। परमात्मा के उस स्वरूप को चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, उसको केवल दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। और परमात्मा जब यहाँ आते हैं अपने उस अत्यधिक तेजों में शरीर के ऊपर एक हल्का ओवरकोट डालकर अपने शरीर के उस वास्तविक तेज को कुछ छुपा करके यहाँ प्रकट होते हैं, सहशरीर आते हैं और सहशरीर चले जाते हैं। उसमें वे एक संत भक्त हंस और एक जनसाधारण की भूमिका करते हैं। परमात्मा पाने के लिए गुरु जी गुरु बनाना अति आवश्यक है। राम कृष्ण से कौन बड़ो उन्हो भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु अग अधीन। राम कृष्ण बढ़ते पुर राजा, तीन गुरु बंद कीन निज काजा। कहते हैं राम कृष्ण से तो तुम किसी को बड़ा नहीं मानते, उन श्री रामचंद्र जी ने और श्री कृष्ण चंद्र जी ने भी गुरु बनाए और वो तीन लोक के मालिक भी गुरु जी के समक्ष नतमस्तक रहे, एक गुरु मर्यादा में रहे। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया और श्री कृष्ण चंद्र जी ने दुर्वासा जी को आध्यात्मिक गुरु बनाया। श्री कृष्ण जी के संदीपनी जो थे वो अक्षर ज्ञान के गुरु थे, उन्होंने उनको अक्षर ज्ञान सिखाया था। गुरु मानुष कर जानते, अब ये तो सिद्ध हुआ कि गुरु का होना अति आवश्यक है आध्यात्मिक अपने इस ज्ञान आध्यात्मिक मार्ग को आध्यात्मिक क्रियाओं को सफल करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु जी का होना अति आवश्यक है। अब गुरु जी के प्रति हमारा कैसा व्यवहार बर्ताव हो, गुरु गोविंद कर जानियो रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। कहते हैं परमात्मा स्वयं संकेत कर रहे हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, गुरु जी को भगवान मानकर चलना और उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके द्वारा दिए गए मंत्र का खूब डट के साधना करना, भजन करना श्रद्धा से, और जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम कीजिए, यदि आपसे दूर हैं तो पल पल उन्हीं का ध्यान कीजिए। परमात्मा को पाने के लिए हमने वो प्रत्येक प्रयत्न करना पड़ेगा जो प्रभु पाने में सहयोगी है। जैसे ये दास है, उसमें तो परमात्मा स्वयं आए थे, अब ये दास बेच दिया अपना। ये दास भगवान नहीं है, लेकिन परमात्मा के नियमानुसार आप जी ने इस दास को भगवान के तुल मानना होगा, आपने परमात्मा मानना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मैथमेटिक्स का, गणित का एक प्रश्न होता है ऋण का, उसके अंदर मूलधन ज्ञात करना होता है, मूलधन ज्ञात करना होता है, उसमें सपोज करना होता है, उसमें मानना होता है। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, वो जो मूलधन हमने ज्ञात करना होता है वो तो लाखों और करोड़ों में होता है, लेकिन 100 रुपये मूलधन मानकर फिर दर निकाली जाती है, उस दर को मल्टीप्लाई करके फिर वो वास्तविक मूलधन निकाला जाता है। जब तक 100 रुपये मूलधन नहीं मानेंगे तब तक वो वास्तविक मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, आपका प्रश्न हल नहीं हो सकता और आपको 0 नंबर मिलेंगे।
इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा, तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी। जैसे आप यहां से जाओगे, आपने परमात्मा देखा नहीं है, आपने इस दास को देखा है, वो परमेश्वर इस दास का रूप धारण करके आपके समक्ष वहां खड़ा होगा। अब जैसा जिसका व्यवहार इस दास के प्रति यहां है वो वैसा ही करेगा। जैसा आपके आपका इस दास के प्रति आपके मन में दोष या श्रद्धा है वह ज्यों की त्यों वहां होगी। जब आपकी वहां एक बार फिर जो है पछोड़ लाओगा परमात्मा, आपके पास भक्ति धन भी है, आपके अंदर गुरुदेव गुरु जी के प्रति व श्रद्धा नहीं है जितनी भगवान के प्रति होनी चाहिए, तो भी आप वहां से रिजेक्टेड हो जाओगे तिरकुटी के ऊपर। पुण्यात्मा, ये आपको रिहर्सल कराई जा रही है आपसे, और आपने इस रिहर्सल में इस दास को प्रभु मानकर व्यवहार करना है, परमात्मा जानकर हर तरह की क्रिया करनी है, बोलते समय, चालते समय, अंदर में कोई विशेष गुरुजी के विषय में विवेचन करते समय, आपने ये जानना पड़ेगा कि जैसे हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, आपने ये विचार करना चाहिए कि हम गुरुजी के बारे में क्या सोच रहे हैं, नहीं, हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। यदि इस दास में कोई दोष देख रहे हो तो आप परमात्मा में दोष देख रहे हो, या तो फिर त्याग जाइए, यहां से चले जाइए, आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं जिसमें आप दोष निकाल रहे हो। हम इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में अग काल के फंद। गुरु जी के प्रति आपकी कैसी श्रद्धा हो, जैसे वो बहन चंद्र प्रभा परमात्मा गुरु जी को भी गुरु भी धारण कर रखा था, और जगन्नाथ जो पुरी वाला भगवान है, जो मिट्टी का माधव, उसको भगवान मान रही, और वो वास्तविक परमात्मा उनके पास रहे, उनसे बात करे, उनको ज्ञान समझा, उसको सुख दे, वो भगवान नहीं, फिर भी श्रद्धा वही थी उस नालायक की। तब परमात्मा ने उसके उस भ्रम को निवारण करने के लिए एक तीर में दो शिकार किए थे। उधर से वीर सिंह बघेल, काशी नरेश भी उनको केवल एक सिंपल मैन और एक संत मान रहे थे। जब वही धोती जो वो बहन चंद्र प्रभा वहां लेकर गई थी जगन्नाथ के मंदिर में, और जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ा दी थी श्रद्धा से, और वहां से उठ कर वह बाहर परिसर में आकर गिरी थी, आंगन में गिरी, और आकाशवाणी हुई थी कि जगन्नाथ तो बनारस में बैठा है, वो कबीर नाम जुलाहा कबीर रूप में वहां विराजमान है, और तू नालायक यहां आ गई। ये धोती उसने आपसे मंगाई थी, आपसे आपने वहां चढ़ानी थी। तब चंद्र प्रभा की आंखें खुली हुई, ये तो भगवान थे। जब चंद्र प्रभा और सैनिकों ने आकर के दृढ़ विश्वास दिलाया तो वीर सिंह बघेल के मन में भी यह बात सेट होगी, कोई ये तो परमात्मा है। जब उनके हृदय में ये बात समाई कि तो प्रभु हैं, तब उनको पुनरुपदेश दिया प्रभु ने, वीर सिंह से कहा कि नाम ले दोबारा, कितका सार नाम के चक्कर में पड़ रहा है, पहले अपने हृदय ने साफ कर और फिर डट कर भजन करो, ताकि तुम परमात्मा पाने योग्य हो सको। गुरु जी के प्रति, गुरु की महिमा आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित नियम में, लेकिन आप पढ़ते हो उसके ऊपर विवेक विवेचन नहीं करते। आप प्रतिदिन क्या सुनते और पढ़ते हो,
कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तन नमो जो आगे होए। कबीर दंडवत गोविंद गुरु, गोविंद गुरु माने गुरु भगवान को नमस्कार करूं। दंडवत गोविंद गुरु, गुरु भगवान, गोविंद माने भगवान, गुरु मीन गुरु, गुरु भगवान को दंडवत प्रणाम करूं। और बंधु अविजन सोए, पहले भय प्रणाम ते नमो जो आगे होए। ऐसे महापुरुष गुरुदेव के तुल आगे और पीछे जो भी आए हैं उन संतों को नमस्कार है। गुरु को कीजे दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को यूं गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। अपने गुरुदेव के प्रति परमात्मा तुल श्रद्धा बनाओगे तभी आप परमात्मा के चरणों में परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव में कैसे आपकी श्रद्धा बनी वह बताया है कि सामने आए तो दंडवत प्रणाम हो और नहीं तो फिर उन्हीं का ध्यान, उन्हीं के द्वारा दिए गए मंत्र पर विवेचन, उसका सिमरण, और रह रहकर आपके हृदय ये आत्मा ये पुकार करेगी, तड़फेगी को हो ऐसा निर्मल ज्ञान है भगवान कहाँ थे, अगर गुरु जी ना मिलते तो हमारी क्या दुर्गति होती। इस तरह की विवेचन जो करना है ये भी गुरुदेव का ध्यान है। अब क्या विचार करना, हमने सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। सतगुरु का अर्थ होता है तत्वदर्शी संत, यथार्थ ज्ञान प्रकाशक। जो सच्चा ज्ञान देने वाला है वो सतगुरु होता है। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। यम द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उन तक कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। कबीर चार खानी में भरमता कभो न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुर के उपकार। ओए होए, इतनी हृदय विदारक वाणी परमेश्वर ने बोली है कि सतगुर, सतगुरु मन पूरे संत से, और प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप यथार्थ परमात्मा की भक्ति हमें प्राप्त हुई तो हमारा कितना दुख निवारण हुआ। यदि सतगुरु ना मिलते और नकली गुरुओं के साथ हम लगे रहते, लोक वेद के आधार पर भक्ति करते रहते, तो क्या होता कि हम नरक में डाले जाते। वहां पर यम के दूत हमें खूब सताते। कैसे सताते हैं यम के दूत? जैसे किसी के किसी को कोड लगा हुआ हो और उसको फिर ये किसी के जख्म हो गए हों, फुंसी हो जाए उनमें मवाद हो, ये मक्खियाँ कितना परेशान किया करती हैं, ऐसे यम के दूत नरक के अंदर इन प्राणियों को परेशान करते हैं। इनके शरीर पर ऐसा उस पाप के कारण ऐसा ऐसी व्यवस्था बन जाती है सूक्ष्म शरीर पर, और जिसमें यहाँ से लेकर के यम के दूत चलते हैं भक्तिहीन प्राणी को, और जो भक्ति कर रहा है लेकिन शास्त्र विरुद्ध कर रहा है उस प्राणी को, तो वहाँ नरक में डालने के लिए झुंड के झुंड को, पूरे समुदाय को लठ मार मार कर ले जाएं। जैसे किसी पशु को फाटक में रोकते हैं और वो उसमें जाने से आनाकानी करता है, वापस भागता है, तो उस पशु को लठ मार मार कर
और फाटक में बंद कर देते। ऐसे ही यम के दूत लंबे लंबे भाले लेकर हाथों में गदा लेकर के इनको कूटते हुए और उस नरक के अंदर ठोक देते। ये वापस भागते हैं क्योंकि आगे इतना बुरा हाल, इतना गंदा स्थान, और जो पहले के प्राणी वहां डाल रखे हैं वो बुरी तरह चिल्ला रहे होते हैं। अब उनको देख करके ये वापस भागने की चेष्टा करते हैं और पीछे तो फिर वो यम के दूत कुटे वहां उनकी जो रिहर्सल होती है वह खेचा ताण हो उस खेचा ताण की बिरान मट्टी वो दुख और फिर नरक के अंदर कष्ट। उसके बाद क्या होता कि 84 लाख योनियों में कभी कुत्ते बनते, कभी गधे बनते, सुअर बनते, गंदी नाली के कीड़े बनते, वो सब सारा का सारा कष्ट परमेश्वर के इस सतनाम से, पूरे संत के ज्ञान से और उनके द्वारा बताएगी भक्ति विधि से सब आप बाईपास निकल गए। न नरक में जाना पड़ेगा, न काल की तपतशिला पर आपको जाना पड़ेगा, और न ही 84 लाख योनियों में आपको जाना पड़ेगा। पुण्यात्मा हो आप तो बालक हो, क्योंकि भक्ति मार्ग का ज्ञान कदे हमने सुना नहीं, केवल जैसा भी परंपरागत हमारे जिस भी धर्म में हम जन्मे हैं उन्हीं लोक वेद को हम अंतिम भक्ति का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान मानकर उसी पर आश्रित थे। वो तो कैखा भी नहीं थी भक्ति का, आध्यात्मिक ज्ञान का वो कैखा भी नहीं प्राप्त था हमारे को। अब ये विस्तार से एक पूर्ण इतिहास आपके समक्ष प्रभु दत्त पेश किया जा रहा है। अब जिससे सतगुरु के उपदेश यानी ज्ञान और मंत्र भक्ति से इतना ढेर सारा कष्ट हमारा टल गया हो, तो उस गुरुजी के बारे में क्या बताते हैं। कबीर चार खानी में भरमता कभो न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं लिखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। क्या बताते हैं परमात्मा अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं कि ऐसे परम संत की क्या महिमा करूं। यदि मैं पूरी पृथ्वी का कागज बनाऊं और सातों समुद्रों की इंक बना लूं एक पेड़ में, एक वृक्ष की कितनी कलम बन जाएंगी बिना गिनती की। और फिर कहते पूरे समुद्र के सारे समुद्रों की इंक बना के और धरती के जितना लंबा कागज लेकर जो लिखन लिखूं, तो ऐसे सतगुरु की महिमा उनके गुण का मैं गुणगान नहीं कर सकता, नहीं लिख सकता। वो थोड़ा पड़ जावे सातों समुद्र भी खत्म हो जाए, वो कलम भी घिसने और कागज भी छोटा पड़ जावे, तो अभी पर उस ऐसे संत की महिमा शेष रह जावे। कबीर बलिहारी गुरु आपना गड़ी गड़ी सो सो बारे, मानुष से देवता किया करतन लागी बार। कबीर गुरु को मानुष जो गेणे और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे जन्म जन्म होवे समान। कहते हैं अपने सतगुरु के ऊपर मैं बलिहारी हूं, घड़ी घड़ी सौ सौ बार उनकी उनके द्वारा दिए गए ये अनमोल ज्ञान रह रहकर उमंग के साथ याद किया जाता है, और ऐसे संत के प्रति एक विशेष श्रद्धा बनती चली जाती है। बलिहारी गुरु आपना घड़ी घड़ी सौ सौ बार, मानुष से देवता किया करतन लाई वार। हम मनुष्य का शरीर अवश्य रखते थे लेकिन कर्म मनुष्य के हमारे नहीं थे। मनुष्य के कर्म अब प्रारंभ हुए हैं, बुराइयों से दूर होना और परमात्मा का यथार्थ भक्ति मार्ग ग्रहण करना, किसी को लूटना नहीं, चोरी नहीं करना, मिलावट नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, किसी की आत्मा नहीं दुखाना, क्योंकि आत्मा हम वैसे नहीं
दुखाने से बंद हो सकते, हम मिलावट करने से या रिश्वत लेना वैसे नहीं छोड़ सकते जब तक हमें इसके होने वाले दुष्प्रभाव का ज्ञान ना हो। जैसे विष से हम क्यों डरते हैं, क्योंकि उससे होने वाले दुष्प्रभाव से हम पूर्ण परिचित हैं। और नादान बालक उसी बोतल में जिसमें विष रखा हो मुंह का लगा कर पी ले और जान मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जान से हाथ धो बैठे। ऐसे ही जो बुराइयां करते हैं वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जिसमें हम तत्व ज्ञान के कारण ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि जो हम कर्म करते थे वो विष खा रहे थे, तो हम अब पुनः विष नहीं खा सकते। इसलिए परमात्मा अपनी महिमा भी बताते हैं कि गुरु मानुष से देवता किया और करत न लागी वार। कबीर गुरु को मानुष जो गिरने और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे जन्म जन्म हावे समान। गुरु मानुष कर जाने ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंद। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। कबीर गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, भौतुक भोंदू बह गए ये राख जीव अभिमान। अब क्या बताते हैं परमात्मा, आप ही आकर के अपने पाने की विधि को और गुरु मर्यादा को वो स्वयं बता रहे हैं। ये परमेश्वर कबीर जी का आदेश है और उसी को हम पाने के लिए चले हैं। उनके आज्ञा का हम उल्लंघन करेंगे, उनके वचनों का उल्लंघन करेंगे तो हम प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर फायदा क्या इस परमात्मा के मार्ग पर लगने का। और ये इतना आसान मार्ग है कि गरीब से गरीब और साहूकार से साहूकार, रंक से रंक और राजा से राजा, कितना ही महाराजा भी क्यों ना हो वह भी प्रभु प्राप्ति कर सकता है, लेकिन उसने अपने क्रियाओं में परिवर्तन करना होगा। और प्रत्येक कदम परमेश्वर के निर्देश अनुसार ही रखना होगा, तब हम परमात्मा पा सकेंगे। अब क्या बताया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं किसके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर गुरु के रूठ त्या हरि की, कबीर हरि के रूठ त्या गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। परमात्मा स्वयं ही बता रहे हैं कि एक तरफ गुरुजी खड़े हैं और दूसरे साथ में परमात्मा खड़े हैं, तो किसके हम चरण छुएं, किसका विशेष आदर करें, किसकी चाह प्रथम करें, आप ही उत्तर दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब इस उदाहरण को आपको समझाया जाएगा कि जैसे एक मटके में घड़े में जल है वो तो समझो भगवान है, एक तरफ हैंडपंप खड़ा है वर्किंग पोजीशन में चालू हालत में, एक तरफ तो हैंडपंप यानी नल है, एक तरफ एक मटके में घड़े में जल है, तो उस मटके के जल को तो भगवान समझो और नलके को गुरुजी समझो, तो इन दोनों में से कहते मैं किसके चरण छूं अर्थात किसको महत्व दूं। आप ही उत्तर देते हैं कि बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। मटके में 10 किलो 20 किलो पानी है, जल है, और उसने कोई वो गिर जाता है, टूट जाता है, खत्म हुआ, या पीने से भी वो समाप्त हो जाता है। यदि हैंडपंप ठीक है,
वो खराब नहीं है, तैसे ऐसे हजार मटके भर देगा। कहने का भाव ये है कि यदि आपका राम कब रूठ गया, कबीर हरि जय रूठ जा, कबीर गुरु जय रूठ गया, तो हर नहीं हो सहाय। और यदि कबीर कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, जिसमें आप जी के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर आपत्तियों का दौर शुरू हो जाता है, वो स्वयं कहने लग जाता है भी मेरा राम रूठ गया, मेरा परमात्मा रूठ गया मेरे थे, मारा भाग फूट गया, मारा राम रूठ गया, तो उसके पुण्य समाप्त हो गए, पाप कर्मों से वो प्रभावित हो रहा है। जैसे आप कहीं खेत में या मजदूरी कहीं कर रहे हो, आपने एक मटका पानी का लेकर गए, वो काम करते करते पीते रहे, वो समाप्त हो गया, आपका जल खत्म हो गया, आपका राम रूठ गया। यदि जल और नहीं लाओगे तो प्यासे मर जाओगे, तो कहाँ जाते हैं, हैंडपंप या कुएं में, उस कुएं से या हैंडपंप से वो जल, वो मटका फिर भर लाते हैं, तो वो फिर से काम शुरू हो गया। पुण्यात्मा जो दुखी प्राणी हैं, उनका राम रूठ गया, उनका राम रूठा हुआ है, उनका भगवान रूठा हुआ है, क्योंकि उनके पुण्य समाप्त हो गए, वो जल थोड़ा बहुत था वो पी पा लिया तुमने, खत्म कर दिया। अब कहाँ जाएंगे उस जल को लेने के लिए, हैंडपंप पर, हैंडपंप से आप फिर मटका भर लाइए, मटका भर लाए फिर जो अभाव, जल के अभाव से जो कष्ट था वो समाप्त हो गया, आपके प्राण बचे। ऐसे ही गुरुजी हैंडपंप है और जल भगवान है। अब यदि आपने हैंडपंप पर तोड़ दिया, उसको मिस हैंडल करके, उसके साथ बदव्यवहार करके, उसका ऐसे ऐसे झटके पटके नू नू कर कर वो तोड़ दिया, उसकी कोई वासर खराब हो गई या किसी प्रकार भी, तो जल आना बंद हो गया। तो फिर वो जल जितना आपके पास आपके पुण्य है वो चलेंगे, तब तक चलेंगे, उसके बाद फिर आपको फिर दुख शुरू हो जाएगा, अर्थात वो जल फिर प्राप्त करना होगा आपका। यदि आपने कहते हैं आपका गुरु रूठ गया, आपका हैंडपंप खराब हो गया, तो जल नहीं, हर नहीं करे सहाय, हर नहीं होत सहाय, वो जल तो रहा नहीं क्योंकि हैंडपंप उसका स्रोत था। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। परमात्मा आगे क्या बता रहे हैं, गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान। गुरु जी से आप उपदेश नाम मंत्र ले रहे हो तो अपना शीश समर्पण कर दीजिए। शीश सौंप देने का तात्पर्य है कि गुरु जी के प्रत्येक आज्ञा का पालन कीजिए। भौतक भोंडू बह गए भाई राख जीव अभिमान, होय होय, भौतक भोंडू बह गए अपने मन में अभिमान बना के गुरु जी के समक्ष, तो वो जीव पार नहीं हो सकते। तन मन दिया तो भला किया सिर का जासी भारे, जो कबू कह मैं दिया भाई बहुत सह सिर मारे। अब जैसे कोई पुण्यात्मा है, कोई सेवा कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, और कोई भक्ति कर रहे हैं, सुमन करते हैं, देखा भाई अर्श में माला रखता हाथ में, भाई वाह कमाल है। पुण्यात्मा ये वाह शब्द है ना, ये केवल परमात्मा के लिए ही हो सकता है, जीव के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे वाहेगुरु, वाहेगुरु का शब्द नानक साहब जी ने परमात्मा के लिए बोला था, वाह का पात्र केवल एक ही है। यदि हम दूसरे की वाह करते हैं और उसके में वाह समा रही है, उसको वाह से वो फूलने लग गया है, उसका विनाश होना प्रारंभ हो चुका है उस श्रद्धालु का। यदि कोई दान करता है और उस दान का उसी को फल मिल रहा है, और दूसरे उसकी दान किए हुए दान को से उसी की प्रशंसा करते हैं, तो ज्ञानहीन प्राणी होता है उस प्रशंसा का पात्र बनकर वो अभिमान करने लग जाता है। बट नेचुरल है, जिसको ज्ञान नहीं है अवश्य होगा,
कोई सेवा अच्छी करता है, शारीरिक सेवा करता है दूसरे ने कहे वाह भाई यू या बहन या भाई ये तो भाई दिन रात इसने सेवा में अपना शरीर गाल रखे है, तो कुछ दिनों में उसके अंदर भी यह बीमारी होएगी और वो उसके नाश का कारण बनता है। कोई सेवा करता है तो अपने लिए कर रहा है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं उसके तरफ आकर्षित होते हैं, तो महाराज जैसा बुद्धू नहीं, वो भक्त नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। कहते हैं गुरु को तजय भजय जो आना तापसुआ को फोकट ज्ञाना, क्योंकि हम जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं हम उसके ऊपर आसक्त हैं भाई हुक एंड क्रुक, तो हम परमात्मा से हटकर उसकी तरफ आकर्षित हुए हैं तो यह भी कमजोरी है। परमात्मा के पाने में हमने सारी कमजोरी मिटानी होगी। एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर जी के पास गया और बूढ़ा बुजुर्ग कति अस्थि पिंजर शेष था, पतल आड़ दिखे नारे नारे अस्थि दिखे। अब डॉक्टर जी ने देख लिया भाई ये तो बीमारी क्या है कि कमजोर आदमी है, कति शारीरिक वीकनेस घनी है इसमें। तो बूढ़े आदमी ने उस वृद्ध ने कहा डॉक्टर जी मैं तो कुछ देर चलता हूं ना मेरा दम फूलने लग जाता है, सांस चढ़ जाए। डॉक्टर बोला भाई महाराज बुजुर्ग कमजोरी है आपको, आपका शरीर कमजोर हो गया। फिर कहता है गुरु डॉक्टर जी मैं खड़ा होता हूँ चक्कर आवे हैं। डॉक्टर बोला बूढ़ा कमजोरी है। फिर बोला जी पिंडी भड़के हैं यानी पिंडलियों में दर्द हो जाता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। अब बूढ़े को गुस्सा आ गया, और बूढ़ा बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर है, एक के बाद जाना है कमजोरी है कमजोरी है, क्योंकि और भी जाना है और भी बताओगा, खूब क्रोधित हो गया। वो डॉक्टर बोला बुढ़े या भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे। तो पुण्यात्माओं ये हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं ये हमने सारी हटानी पड़ेंगी, तब हम परमात्मा पा सकते हैं, ना तो ठीक है जी साफ कर रहे हो ऐसा फल मिल जाएगा। और आने वाले जन्मों में आप राजा बन सकते हो, देव बन सकते हो, महादेव बन सकते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश बन सकते हो, क्योंकि आपकी अंदर इतनी कमाई बन जाएगी। और उसके बाद फिर आप गधे बन सकते हो और कुत्ते बन सकते हो। तो हमने या जन्म मरण का दीर्घ रोगी कटवाना पड़ेगा। अब समय आ गया है उसकी औषधि का जो है खोज होगी है। जैसे पहले टीबी की कोई बीमार कोई इलाज नहीं था, इसलिए इसको अक्षय रोग कहते थे, अक्षय माने नाश करने वाला, खत्म करते। अब टीबी कोई विशेष रोग नहीं रहा अगर समय पर उपचार करा लिया जाए तो। तो इसी प्रकार अब इस जन्म मृत्यु रूपी अक्षय रोग की अब औषधि प्राप्त होगी हमें, थी तो पहले ही लेकिन इसकी खोज करने वाला नहीं था। अब परमात्मा ने मेरे बख्शीश दास के ऊपर अपनी वो अनमोल जड़ी सरजीवन बूटी दे दी इस सार नाम रूपी, और वो उससे यह जन्म मरण रूपी दीर्घ रोग आपका कटेगा। तो उस औषधि उपचार में आपने जो परहेज रखने हैं वो आपके नियम हैं, इनका भी पालन आपको आजीवन करना होगा, तभी आप इस रोग से मुक्त हो पाओगे। अब जैसे हम एक दूसरे पासक्त होते हैं, जो बड़ा अच्छा पाठ पढ़ता है, इसकी बड़ी अच्छी प्यारी बोली है, अरे पाठ भगवान की वाणी है, परमात्मा ने वाणी लिखी है, और वही वाणी आपको पढ़ कर सुना दे और या कोई गा कर सुना दे, मीठी आवाज में सुना दे, बड़ी आवाज में सुना दे, उस पर अमल हो। अब जैसे कोई शराब पिए पड़ा था और दूसरा व्यक्ति जाकर कहने लगा कि भाई तुम्हारा चोरी होगी, उस शराबी कहता है चोरी होगी, अच्छा चोरी होगी फिर बता क्या हो गया, चोरी हो गया। अब वो कोई कहे उस शराबी नो कहे तेरी आवाज अच्छी नहीं, कोई गाने वाला आवे उसको बुलाओ, और वो नो कहे क्योंकि वो शराबी ये होगा फिर
दूसरा शराबी कहता है आपका चोरी हो गई, वो चोर भी नो कह, जिसका चोरी हो रही उन्होंने कहा चोरी हो गई रन्ना लग को। फिर वो नो कहता हाँ ये बहुत बढ़िया बोल रहा है, इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, चोरी हो गई। और उसने नो कहा जाकर सिंपल वे में, भाई तुम्हारा घर में चोरी होगी और बहुत नुकसान हो गया है, यदि वो होश में है शराब नहीं पी रखी तुरंत कर्जा पकड़ेगा। अक भाई कितना नुकसान हो गया, तुरंत घर को चल पड़ेगा यदि उसने बांग पी रखी है। तो फिर नौ कहेगा भाई इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी जो गा कर सुना रहा चोरी हो गई, आप भी क्यों बांग के नशे में, अरे साहब वो मूर्ख जो उसने गा के सुना रहा चोरी हो गई। तो पुण्यात्मा आपको बार बार कह रहा परमात्मा की वाणी है, क्या बताते हैं भगवान बार बार, इसने गा के कह दे चाहे वैसे कह दे, जो जिनकी भांग का नशा उतर गया वो तुरंत सचेत हो जाएंगे और उस मार्ग पर चल पड़ेंगे। क्या मन तू बस रे चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब चैत इसने नू गा के सुना दे, अर्थे सिंपल वे में कह दे मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोट जन्म तर भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी नमन की आशा, और भिक्षकों का धर धर घूमया ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईस की पदवी ब्रह्मा वर्ण धुमराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों नाम रह रे, द्वादश मध मैल मठ बोरे बोरना दे धर रे। दोजक भस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और तीन लोक से तरपत नाई ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पदमल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। अब इस वाणी ने चाहे तो कोई गा के सुना लो, और चाहे भाई ने वैसे सिंपल वे में कह दे, जब तक हम इस अनमोल वचन को जो प्रभु दत्त है परमात्मा का दिया हुआ है इसको हृदय में धार कर इसके अनुसार नहीं करेंगे, तो ना तो इसके गाने तो फायदा, ना इसके वैसे कहने सुनने तो फायदा। इससे लाभ होगा जब हम इसके परमात्मा की वाणी पर अमल करेंगे और तुरंत उसके उसका अनुसरण करके अपना मोक्ष प्राप्त करने का तरीका ढूंढेंगे। तो जैसे हम किसी और पर किसी भी पॉइंट से आसक्त होते हैं तो हम कमजोरी में हैं और हम पार नहीं हो सकते हैं। क्या बताते हैं, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते उपर राजा, तिन गुरु बंद की निज काजा। गेही भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन में ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु जी का आदेश अवश्य माने और गुरु भी पूरा हो, पूरे गुरु की पूजा करे, पूरे गुरु के आधार से साधना करे। गुरु की शरणा लीजे भाई, तात जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, ही विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था बो छड़े मूड किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। नौ नाथ चौरासी सिद्धा, गुरु के चरण सेव गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहसर गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या हो कबू ना फल ही। गुरु बिन भ्रम न छूटे भाई, ही कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा।
गुरु के चरण सदा चित दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। अब भगवान क्या बताते हैं, दूसरा तरीका कि जो गुरु का भक्त है, मेरे उस संत का भक्त है, अनुयायी है, श्रद्धालु है, सच्चे दिल से साधना कर रहा है, प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, तो कहते हैं उस मेरे वाले मेरे भेजे गए हंस संत के का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है, वो मेरा सच्चा यानी प्यारी आत्मा है और उसके हृदय में मैं समाया रहता हूँ। आप जी के हृदय में जब तक परमात्मा है, कब तक है, जब तक आप इस दास को भगवान की दृष्टि में देखते हो तब तक आपके हृदय में प्रभु है, और जब आपके मन में कोई दोष उत्पन्न होने लग जाता है तो काल प्रवेश कर जाता है, प्रभु हट जाता है। क्या कहते हैं भगवान, गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। गुरु का भक्त मेरी आत्मा हो है और उसके हृदय में मैं समाया रहता हूं, अर्थात मेरी ही उपस्थिति बनी रहती है, और जब तक भगवान की उपस्थिति है तो आपकी श्रद्धा भगवान गुरुदेव के प्रति और भक्ति के प्रति एक पूरी निष्ठा बनी रहती है। जो ही आपके हृदय में कोई दोष आता है प्रभु गुरुजी के प्रति, चाहे किसी प्रकार से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, परमात्मा आपसे दूर हो जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो उसमें आपके विचारों में परिवर्तन, ये दास पहले आपको आज जो पुण्यात्मा जब तक आपके हृदय में परमात्मा समाये है तब तक ये दास आपको क्या दिखता है ये तो आपको मालूम है, दास नहीं कहना चाहता। और जब आपके हृदय में काल समा जाएगा ये दास आपको दुष्ट दिखाई देगा। दास वही है, पहले भी वही था और बाद में भी वही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। आपने अपना ही शीशा, जैसे हम दर्पण में मुंह देखते हैं, फेस देखते हैं शीशे में, अगर वो शीशा खराब है तो ऐसा बूंदा मुंह दिखाओगा, बांगा बांगा। कई बार ना कोई कार खड़ी हो और उसके पास से निकला तो अपना शरीर उस कार के शीशे में नू दिखा रहा, इतना बड़ा पेट सार ठेगना सा नूथ, ऐसा बूंदा देखने भी जी ना करे। तो ऐसे ही जैसे कोई शीशा खराब है उसमें मुंह देखे सब बूंदा दिखे, कोई मोटा मोटा कति मर रहा है, कटेडा मेडा, और बढ़िया दर्पण है तो जो का तू दिखाता है। तो पुण्यात्मा जब तक आपका अंतःकरण हृदय रूपी मिरर बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है, तो ये दास आपको कति भगवान दिखाई देगा। जब आपका अंतःकरण किसी दुष्ट ने या आपके अभिमान ने बर्बाद कर दिया तो ये दास आपको बूंदा दिखेगा। जैसे आपका फेस जैसा है वो तो आपका स्पष्ट दर्पण ही दिखा सकता है, यदि दर्पण ही खराब है तो आपके ही चेहरे में कितने दोष दिखा देगा। अब जैसे ये क्रोथा कांड हुआ, इसके पीछे बहुत ही भयंकर षड्यंत्र था। उन लोगों की पोल खुल गई जो धर्म की आड़ में दुनिया को भ्रमित किए बैठे थे, उनके ज्ञान की पोल खोल दी और वो कति चौड़ चपट हो गए। अब उनको भय हो गया कि तुम्हारे अनुयायी तुमसे भागेंगे और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, दुनिया तुम्हें थूकेगी। तो उन्होंने ऐसे झूठ झाट बोल के राजा और प्रजा को भ्रमित करके इस दास के प्रति ना जाने के तूफान झूठ बोल दिए। तो उन अज्ञानियों के द्वारा फेंके गए गंध से जिनका अंतःकरण रूपी दर्पण खराब हो गया, उनको ये दास बुरा लगन लगे अनुयायियों को, और जिनके उनके द्वारा फेंके गए गंध का जिसके अंतःकरण रूपी दर्पण पर कोई असर नहीं हुआ, ये दास उनको जो का तो वही दिखाई दे रहा था। तो यहां परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं, गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। ये गुरु जी, गुरु का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है और उसके हृदय में मैं रहूंगा, और यदि किसी भी कारण से आपके हृदय में दोष आ जाता है तो प्रभु वहां से हट जाते हैं, और काल भगवान तो तैयार है, वो तो फिर तुरंत
आकर के कुर्सी संभाल लेता है।